जिसका सब लोग समर्थन कर रहे हैं। हम तो तीन चंद बातें कहेंगे आपके बीच में। अभी डाकबंगला चौराहा पटना पर हूं और यहां पर भीषण किसान का रैली चल रहा है, उसी में तरारी के विधायक जी से मैं बात करना चाहूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को? अभी मैं 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक हरियाणा पंजाब के किसानों से मिला दिल्ली में जाकर, राजस्थान उत्तर प्रदेश के, और इस बार किसान जो है मोदी सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में है। यस या नो, अब कोई वार्ता नहीं, या तो आप तीनों काले कानून वापस लीजिए या फिर इस्तीफा दे करके हिमालय की गुफा में जाकर के तपस्या कीजिए। ये कहना है किसानों का। हम लोग देख रहे हैं कि पहले ही मोदी जी की सरकार ने अच्छा दिन तो नहीं दिया, यहाँ का जल जंगल जमीन कारखाना खदान, यहाँ का रेलवे, यहाँ का हवाई जहाज, यहाँ का बैंक, यहाँ का खदान, यहाँ का आकाश, सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले ये सरकार कर चुकी है। देश का विकास दौर, विकास रेट जो है वो -23.9% नीचे है। हर क्षेत्र में जो है गिरावट है। एकमात्र खेती है जहाँ करीब 3.5% का विकास है, तो इस खेती को हथियाने के लिए ये काले कानून लाए गए हैं कि ये खेती अडानी अंबानी को दे दिया जाए। जिस दिन खेती के मालिक अडानी अंबानी होंगे, समझिए कि डीजल पेट्रोल की तरह ये अनाज का भी दाम रोज बढ़ाएंगे। इसलिए देश का हर नागरिक जो है इसके खिलाफ में है। ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल जो है देश के हर नागरिक का है, देश के हर नागरिक का है, खाद्य सुरक्षा का है। गरीबों के थाली से अनाज जो है गायब हो जाएगा। इसलिए आज किसानों के साथ यहाँ का व्यापारी समाज, यहाँ की ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ, यहाँ के अड़हतिये, यहाँ की तमाम मंडियाँ, यहाँ के छात्र, नौजवान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी, सब लोग इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा होकर आज भारत बंद कर रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक तरारी से हम और भी लोगों से भी बात करेंगे। ये भीड़ और ये हुजूम देख रहे होंगे, इधर रालोसपा का है, जाप का है और कम्युनिस्ट पार्टी का है, ये कांग्रेस पार्टी का है और राजद का भी यहाँ पर चल रहा है। यही वह है डाकबंगला चौराहा का गोलंबर है जहाँ पे ट्रैफिक संचालित किया करते थे। यह राजद के अभी देख रहे होंगे भारत बंद का समर्थन चल रहा है और तमाम प्रकार के नेता अपने अपने ढंग से भाषण कर रहे हैं। हम और भी लोगों से अभी बात कराने का प्रयास करेंगे।